जानते हैं कि मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? पृथक करने से हम मिश्रण के प्रत्येक घटक यानी कंपोनेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा उपयोगी घटक को अनुपयोगी घटकों से हम पृथक कर सकते हैं। यदि हमें अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एवं रेत का मिश्रण दिया गया है तो हम इनके घटकों को कैसे पृथक करेंगे, आइए यह पता लगाएं। तीनों पदार्थों को आसानी से पृथक करने के लिए हमें पृथक्करण की भौतिक विधियों का उचित क्रम में चयन करना होगा। किस घटक को हम कैसे पृथक करेंगे ये उस घटक की विशिष्ट गुणधर्मों पर निर्भर करता है। आइए अब हम इसे क्रियाकलाप द्वारा करके देखते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री होगी एक चीनी प्याली, एक कीप, 250 ml का बीकर, तार की जाली, कांच की छड़, स्पैचुला, त्रिपाद स्टैंड, जल एवं निस्यंदक पत्र। पहले हम अपने उपकरण को व्यवस्थित कर लेते हैं। एक चीनी प्याली में दिया गया मिश्रण हम थोड़ी मात्रा में लेते हैं। अब हम त्रिपाद स्टैंड को लेते हैं और उस पर हम तार की जाली रखते हैं। इस चीनी प्याली को उस पर रख देते हैं। एक कीप को उलटकर हमें चीनी प्याली पर रखना है और ध्यान रहे कि कीप के स्तंभ के खुले मुंह पर हमें रुई की डांट लगानी है। अब हमें अपने मिश्रण को गर्म करना है। अब कुछ समय तक गौर से हम कीप को देखेंगे। ये क्रियाकलाप करते समय अपने शिक्षक की उपस्थिति जरूर सुनिश्चित कर लें। क्या आपको कीप के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? ठंडा हो जाने पर कीप को उठाते हैं। क्या आपको कुछ ठोस पदार्थ दिखाई दे रहा है? चलिए इसे खुरच कर अलग करते हैं। इस मिश्रण में केवल एक ही घटक यानी अमोनियम क्लोराइड गर्म करने पर ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हुआ। इस पृथक्करण की विधि को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड तो अलग हो गया है, क्या आप बता सकते हैं बचे हुए मिश्रण में कौन से दो पदार्थ रह गए हैं? जी हाँ, अब चीनी प्याली में अवशिष्ट मिश्रण में रेत तथा नमक यानी सोडियम क्लोराइड रह गए हैं। चलिए अब आगे प्रयोग में होने वाली विधि का अध्ययन करते हैं। इस अवशिष्ट मिश्रण को जल में घोलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बीकर। इस बीकर में हम इस अवशिष्ट मिश्रण को डालते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे घोलते हैं। मिश्रण को छानने के लिए हम अपने उपकरण को व्यवस्थित करते हैं। इसके लिए दोबारा हमें चाहिए होगा त्रिपाद स्टैंड, निस्यंदक पत्र यानी फिल्टर पेपर को हमें दो बार मोड़कर कोण का आकार बनाना है। फिल्टर पेपर को सही तरीके से मोड़ने का चलिए विधि सीखते हैं। पहला मोड़ आधे में बीच में होगा और दूसरा मोड़ उसके बीच में होगा। तीन परत को एक तरफ,
और एक परत को एक तरफ रखकर इस कोण को हम कीप में रखते हैं। अब हम फिल्टर पेपर को पानी की छींटों से हल्का सा गीला कर लेते हैं। अब इस तैयार कीप को हम अपने त्रिपॉड स्टैंड पर रखते हैं। बीकर को हमें इस तरह से लगाना है कि कीप का स्तंभ बीकर की दीवार से लगा हुआ हो। अब हम धीरे धीरे मिश्रण को कांच की छड़ से कीप में डालेंगे। जब पूरा मिश्रण छन जाए तब ध्यान से फिल्टर पेपर और बीकर को देखें। अब फिल्टर पेपर का कोण को उठाकर एक सूखे फिल्टर पेपर पर रखते हैं। रेत जल में अघुलनशील है, इसलिए रेत निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन विधि द्वारा पृथक हो गया है। क्या आपको लगता है इस विलयन में कोई पदार्थ है? आओ करके देखते हैं। इस विलयन को चीनी प्याली में गर्म करते हैं। चीनी प्याली को ध्यान से देखते हैं। जल धीरे धीरे इसमें वाष्पित हो रहा है। पूरी तरह जल वाष्पित हो जाने तक हम इंतजार करते हैं। पूरी तरह जल वाष्पित हो जाने पर सामान्य लवण का शुष्क नमूना प्राप्त होता है। जैसा कि शुरू में बताया गया था कि किस घटक को कैसे पृथक करेंगे, ये उसके गुणधर्मों पर निर्भर करता है। क्योंकि नमक यानी सोडियम क्लोराइड जल में घुलनशील है, इसलिए नमक को इसके जलीय विलयन से हमने वाष्पन द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार हमने अलग अलग विधियों से इस मिश्रण के घटकों को पृथक किया है। अमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन द्वारा, रेत को निस्यंदन द्वारा, सोडियम क्लोराइड यानी नमक को उसके जलीय विलयन के वाष्पन द्वारा। धन्यवाद।